तो रतन टाटा मुझे मिलने के आए, तब वो रास्ता घूम गए। तो उन्होंने मुझे फोन किया कि नितिन मुझे तुम्हारा घर नहीं मिल रहा, मतलब आप ऐसा करो टाटा रतन जी, आप आपके ड्राइवर को फोन दो, मैं उसको बताता हूं। बोले नितिन मेरे पास ड्राइवर नहीं है, मैं खुद गाड़ी चला रहा हूं। तुम्हारे पास ड्राइवर नहीं है? बोले नहीं है। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि हिंदुस्तान का इतना बड़ा करोड़पति होने के बाद इसके साथ ड्राइवर क्यों नहीं, अपने कोई इसके साथ सिक्योरिटी ड्राइवर कोई नहीं। और वो जब मैंने उनको पता फिर बताया, वो मेरे घर पर आए। फिर मैं इसी अनुभव से पहले उनको एक बार मैं एक फ्लाईओवर के उद्घाटन के लिए मुंबई लेके गया, तो हेलीकॉप्टर वही चला रहे थे, तब भी वो एक प्रकार से मैं उनको देख रहा था कि कहीं भी चलने में बोलने में उनके कोई व्यवहार में वो टाटा ग्रुप के मालिक है ये कभी महसूस ही नहीं होता था। एक बार वो अपने सबॉर्डिनेट्स को उसके नाम से, जैसे नितिन है तो नितिन बुलाते थे, तो मैं उनको मिला तो उनके लोग भी उनसे उतने फैमिलियर थे। या आजकल होता है ना कि मंत्री है तो उसका प्रोटोकॉल होता है, फिर उसके साथ कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा कौन बात करेगा, तो ये बड़ा चलता है। मैं दूसरी बात जो है वो जॉर्ज फर्नांडिस की आपको बता दूं, मैंने उनको इतने बार, एक बार वो डिफेंस मंत्री थे तो मेरा उनके ऊपर बहुत प्रेम था, क्योंकि वो बहुत डाउन टू अर्थ और उनसे बहुत सीखने लायक था, बहुत अच्छे नेता थे, ईमानदार थे, कर्मठ थे और कन्विक्शन ओरिएंटेड थे। तो मुझे मलबार हिल पर वहां मिलने के लिए, तो बात करते करते बोले नितिन तुम क्या कर रहे हो? मैं बोला मुझे कुछ टाइम है। क्यों? बोले चलो मेरे साथ, मैं डॉक्टर के, मुझे डेंटिस्ट के यहाँ जाना है। तो मैं उनके गाड़ी में बैठ के, हम दोनों ही बैठ के, कोई डिफेंस का कोई एक उनके अटैची उनके साथ था, वहां गए डॉक्टर के पास किया। बाद में सामने वाले रेस्टोरेंट में मुझे लेके गए, वही गिरगांव में हम लोग ने नाश्ता किया, चाय पिया। कहीं उनकी व्यवहार में वो दिखा नहीं रहे थे कि वो कोई डिफेंस है, देश के डिफेंस मंत्री है। उनकी चाल चलन व्यवहार और चरित्र से वो डाउन टू अर्थ थे। एक घटना मेरे साथ धीरूभाई अंबानी जी के साथ हुई, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि मैं जब महाराष्ट्र में मंत्री था तो मुंबई में वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट, 55 फ्लाईओवर्स और मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। तो उन्होंने मुंबई पुणे हाईवे के लिए टेंडर भरा था और वो टेंडर था करीब 3600 करोड़ का, यानी आज के 36000 करोड़ का। तो मेरा मत था कि 2000 करोड़ के नीचे काम हो सकता है, ये 1600 करोड़ बहुत ज्यादा है। तो उनके संबंध तो बीजेपी शिवसेना में बाल ठाकरे प्रमोद महाजन सबसे थे, मैं केवल मंत्री था। तो मैंने हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी को कहा कि मुझे लगता है ये नहीं देना चाहिए क्योंकि ये कॉस्ट बहुत ज्यादा है, तो आप इसको कैंसिल करिए। तो वो मनोहर जोशी और मुंडे जी थे, वो भी मेरे से समझ लिया, उन्होंने बोला ये एलिगेशन होंगे हमारे ऊपर, और मैंने अपने फाइल पर लिख दिया कि ये करने लायक नहीं है, ये हम एक MSRDC करके संस्था स्थापन करेंगे और हम अपने पैसे से ये करेंगे। तो मुझे हमारे बहुत से लोगों ने कहा कि जो अंबानी नहीं कर सकता उससे कम पैसे में तुम कैसे कर सकते हो, ये तुम्हारा कॉन्फिडेंस गलत है। विवाद होता रहा, फिर प्रेस में कॉन्ट्रोवर्सी बनी और आखिर में उनका टेंडर रिजेक्ट हुआ। तो वो बहुत नाराज हो गए, और उस समय आज भी वो देश के नंबर एक के उद्योगपति थे और पोलिटिकल पार्टी को उनका सपोर्ट इज बहुत इम्पोर्टेंट। तो बाल ठाकरे जी को और प्रमोद महाजन को लगा कि ये मैंने लेना देना कुछ नहीं, अब ये सबके संबंध उनके साथ खराब कर दिए। तो प्रमोद महाजन जी ने मुझे कहा कि जो तुमने किया तो क्या, एक बार उनके पास जाके समझाओ ताकि उनका गुस्सा भी कम हो हमारे प्रति, क्योंकि तुमने वो लोएस्ट होने के बाद, उनका कानूनी अधिकार होने के बाद भी तुमने टेंडर रिजेक्ट किया। तो मैं उनके आ गया और मैं भी उनको समझा रहा था, बोलते बोलते वो मेरे ऊपर, उनको गुस्सा आ गया तो भड़क गए, थोड़े से भड़क गए, उनके बोलने का तरीका बदल गया। वो बोले तुम क्या बनाओगे रोड, तुम्हारी क्या थका दे बोले बनाने। तो मैं भी ऐसे इसमें जरा कोई मुझे उल्टा कहता तो जवाब देने में मेरा भी स्वभाव में शांति नहीं थी। तो मैंने बोलते बोलते उनको कहा धीरू भाई अगर ये रोड मैं नहीं बनाऊंगा तो मेरी मूंछें काट लूंगा, और समझो मैंने बना लिया तो तुम क्या करोगे। तो हंसते बोले ठीक है देखेंगे, बोले क्या होता है ऐसा करके। मैंने उनका गुस्सा निकालने के लिए कहा पर और गुस्सा हुआ उनका और मैं वापस आ गया। फिर 1.5 साल में मैंने काफी रोड का काम हुआ, रोड अच्छा काफी काम चल रहा था,
और उन्होंने हेलीकॉप्टर से वो रोड देखा और उनको ध्यान में आया कि अब रोड पूरा हो रहा है। ये बात सच्चाई है कि जिन्होंने 3600 करोड़ में जो कोट किया था वो रोड 1650 करोड़ में 2 साल के अंदर पूरा हुआ, तो 2000 करोड़ बच गए। तो मैं कह रहा था वो बात तो सत्य होगी। तो फिर चैनी करके उनके पास थे, उनको कह के नितिन को बुलाओ। तो मैं उनके पास गया तो मुकेश, अनिल अंबानी, मैं और चैनी खाना खाने के लिए नरीमन पॉइंट के ऑफिस में गया। तो उन्होंने मुझे कहा कि नितिन मैं हार गया, तुम जीत गए। मेरे वाला धीरू भाई ये मत किया, आप मेरे पिता के समान हो, हार जीत में कोई बात नहीं, आपका आशीर्वाद है, ऐसा क्यों बोलते हो? नहीं बोले आप, मैं हार गया। बोले नितिन आप, तुमको पता नहीं होगा मैं एक स्कूल मास्टर का लड़का, और मेरी कहानी ऐसी थी कि मैं जब पहली इंडस्ट्री शुरू कर रहा था मुझे कोई लोन नहीं ले रहा था। तब ICICI बैंक के एक मैनेजिंग डायरेक्टर थे, मेरा वो लोन रिजेक्ट हो गया था, एक प्लास्टिक की कोई मशीन ले रहे थे। तो उन्होंने जाकर जब रिजेक्ट केस थी तो वो MD को मिलने के लिए, जो चेयरमैन MD थे उस समय, उनका नाम भी उन्होंने बताया था, मैं भूल गया। तो मैं उनके पास गया और उन्होंने कहा, उनको कहा कि देखो आप मुझे लोन दो, मैं इसमें निश्चित रूप से सक्सेस होगा। MD ने उनसे 5-7 मिनट बात करके जो केस रिजेक्ट की थी वो टर्न डाउन करके उन्होंने अप्रूव की, और ने बोला मैंने आपका काम किया। तो धीरू भाई को बड़ी खुशी, और उन्होंने उनको तुरंत पूछा कि आपने ये रिजेक्ट केस थी, आपने ऐसा क्या देखा कि आपने मुझे माफ करिए कि आपने मुझे तुरंत ओवररूल करके ये काम किया। तो उन्होंने कहा, उन्होंने जो जवाब दिया कि मैंने आपके चेहरे से, आपकी नजरों से ये जान लिया कि आप सक्सेस होंगे, आपकी इच्छा शक्ति प्रबल है और करने की जिद है, और इसलिए मैंने टर्न डाउन करके ये लोन मंजूर किया। बोले आज मैं, उस समय की बात है, मैं जब कह रहा हूं ये शायद 2001 या 2 का काल होगा। तो उन्होंने जब ये बताया तो स्वाभाविक रूप से ये कहानी बताने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि नितिन, मुझे नितिन ही कहते थे, मुझे, मैंने इतनी इज्जत कमाई है कि आप 1 बजे हैं, हम खाना खाने बैठे थे टेबल पर, मुझे अगर चाहिए तो मैं 5000 करोड़ 4 बजे तक पब्लिक से मिला सकता हूं, ये मैंने क्रेडिबिलिटी मैंने कमाई है, जो रिलायंस के रूप में बॉन्ड्स में पैसे लोगों से मिलते थे, अब मैंने बहुत कुछ कमाया है, अब मेरा काउंटडाउन शुरू हुआ है, मुझे नहीं लगता कि मैं अब ज्यादा दिन जी सकूंगा क्योंकि अब मेरी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, पर मेरी एक इच्छा है कि इस देश का, मेरा तो बहुत भला हो गया और देश का भला हो, और तुमने ये काम किया जो मैं कभी नहीं सोचता था कि कर सकते, तो किया, मैं बहुत खुश हूं, और मैं इस हार गया हूं तुम जीत गया होते हैं। तो हमने दिल्ली में एक रिंग रोड बना रहे हैं UR2, जो पानीपत से आता है पेरिफेरल रोड के बाद है, तो वहां से एयरपोर्ट जाने के लिए 2 घंटे लगते हैं, अभी रोड दिसंबर में पूरा हो जाएगा, वहां से 15 मिनट में एयरपोर्ट जाएंगे। और वो शिव मूर्ति है, वहां से हमने रोड के अंदर में 8 लेन टनल बनाई, तो T3 पे जाती है और एक वसंत विहार जाती है, ऊपर में भी 16 लेन। वो इसलिए मुझे याद है कि मुझे दिल्ली ज्यादा मालूम नहीं, मैं वहां एक बार शादी में गया था, और रोड पर 5-6 शादी के मंडप है, आप शायद जानते होंगे। तो वहां मैं 2.5 घंटा अटका रहा ट्रैफिक जाम में, मैंने बोला आप किसी की भी शादी हो जिंदगी में यहां नहीं आऊंगा, इतना ट्रैफिक जाम। वो रोड मैंने भी 16 लेन किया है, और वहां से द्वारका एक्सप्रेस हाईवे से डायरेक्ट दिल्ली जयपुर, और मैं अब दिल्ली जयपुर को इलेक्ट्रिक हाईवे केबल में कन्वर्ट कर रहा हूं। और कल मैंने टाटा के साथ बैठकर लगभग प्रोजेक्ट फाइनल की, वो 3 इसकी बस होगी, एक जुड़कर ऊपर रेलवे जैसा कनेक्शन होगा केबल के साथ, और उसका बिजनेस क्लास की सीट होगी, सामने फिल्म देख सकते हो, लैपटॉप लगा हुआ है, स्क्रीन होगा, एयरोस्टेस होगी, और बिजनेस क्लास की सीट होगी, और दिल्ली से जयपुर 100 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी जाएगी, और टिकट रेट डीजल बस की तुलना में 25-30% कम होगा। और फिर मैंने उनको कहा कि ये 3 की बस जा रही है, 120-140 लोग जाएंगे, तो उसको आप 3 ट्रक में भी कन्वर्ट कर दो 60 टन में, और माल भी जाएगा, तो 120 रुपए का पेट्रोल, 110 रुपए का डीजल, उसकी तुलना में 10 रुपए की इलेक्ट्रिसिटी, तो फ्यूल कॉस्ट डाउन होगी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस, तो मैं वो डेवलप करने के पीछे लगा हूं। तो टेक्नोलॉजी एंड फ्यूचरिस्टिक विजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारे पास है वो हम